हेलो एंड वेलकम टू एनबीटी लाइफ। मैं हूं अंकित दुबे और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं उन टॉप 10 कारों के बारे में जो कि जनवरी 2022 में सबसे ज्यादा बिकी हैं। जी हां, ये आंकड़ा देखा जाए तो हमने कार देखो की रिपोर्ट से लिया है और इस वीडियो में बेसिकली हम आपको बताएंगे कि दिसंबर 2021 के मुकाबले जनवरी 2022 में इन गाड़ियों की डिमांड कैसी रही है और साल दर साल के आधार पर भी अगर हम देखें तो इन गाड़ियों की डिमांड में कितना फर्क देखने को मिला है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वो बेल आइकॉन भी प्रेस करें। नवंबर 2021 से देखा जाए तो मारुति वैगन आर काफी बढ़िया काम कर रही है और टॉप 10 की सूची में टॉप पोजीशन पर बनी हुई है। टाटा पंच ने भी जनवरी 2022 में कमबैक किया है और दिसंबर महीने के मुकाबले बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई है इस गाड़ी की। और शुरुआत करते हैं सबसे पहली गाड़ी से जो कि टॉप 1 पर है, मारुति वैगनार की। मारुति वैगनार ही सिर्फ एक ऐसा मॉडल है जो कि जनवरी महीने में 20,000 से ज्यादा यूनिट्स बिक चुका है और साल दर साल के आधार पर इसकी बिक्री में 18% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो मारुति का बेस्ट सेलिंग मॉडल यानी कि स्विफ्ट मौजूद है जिसने जनवरी महीने में 19,000 से ज्यादा यूनिट्स का आंकड़ा पार किया है और जनवरी 2021 में अगर देखें तो ये गाड़ी 17,180 यूनिट्स पर थी। वहीं दिसंबर 2021 में ये आंकड़ा 15,661 यूनिट्स के साथ मौजूद था। तीसरे नंबर की बात करें तो यहां पर मारुति डिजायर मौजूद है और देखा जाए तो इस सेडान ने 15,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार किया है। अगर साल दर साल के आधार पर आप देखेंगे तो जनवरी 2021 के मुकाबले बिक्री में गिरावट देखी गई है जबकि दिसंबर 2021 के मुकाबले जो कि 10,633 यूनिट्स बिकी हैं उसके मुकाबले बढ़ोतरी देखी जा सकती है। टॉप 4 पोजीशन की बात करें तो टाटा की बेस्ट सेलिंग कार नेक्सॉन इस स्थान पर मौजूद है। कार निर्माता कंपनी ने इस सब 4 मीटर एसयूवी की करीब 14,000 यूनिट से ज्यादा डिस्पैच की है जो कि जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 के मुकाबले ज्यादा ही देखी जा रही है। मारुति ऑल्टो 5वें स्थान पर पहुंच गई है और इस दौरान कंपनी ने 12,300 यूनिट्स की बिक्री की है। दिसंबर 2021 के मुकाबले भले ही बढ़ोतरी देख सकते हैं लेकिन साल दर साल के हिसाब से 32% की गिरावट भी देखी जा रही है। छठे स्थान की बात करें तो यहां पर मारुति का अगला मॉडल यानी कि अर्टेगा मौजूद है जो कि एक एमपीवी है और इसने पिछले महीने यानी जनवरी महीने में इसकी 11,847 यूनिट्स बिकी हैं जो कि दिसंबर 2021 के मुकाबले सिर्फ 7 यूनिट्स ही ज्यादा हैं। किया की कॉम्पैक्ट एसयूवी सेल्टॉस की बिक्री में भी बढ़त देखी गई है और यह 7वें स्थान पर 11,483 यूनिट्स के साथ मौजूद है। दिसंबर 2021 के मुकाबले सेल्टॉस की बिक्री में भयंकर बढ़त देखी जा सकती है। 8वें स्थान पर हुंडई की वेन्यू मौजूद है और इस गाड़ी की 11,377 यूनिट्स की बिक्री हुई है जो कि दिसंबर 2021 के मुकाबले बढ़िया ग्रोथ है लेकिन साल दर साल के आधार पर जनवरी 2021 के मुकाबले ग्रोथ कम देखी गई है या फिर गिरावट देखी जा सकती है। इसके अलावा 9वें स्थान की बात करें तो मारुति इको मौजूद है जिसकी 10,528 यूनिट्स की बिक्री हुई है और ये दिसंबर 2021 के मुकाबले तो ज्यादा है लेकिन जनवरी 2021 के मुकाबले कम देखी जा सकती है। टाटा पंच की बात करें तो ये टॉप 10 पोजीशन में 10वें नंबर पर है और इस गाड़ी की 10,027 यूनिट्स की बिक्री हुई है। वहीं दिसंबर 2021 में 8,008 यूनिट्स की बिक्री हुई थी और दिसंबर 2021 के मुकाबले आप अच्छी खासी बढ़त भी इस गाड़ी के साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें जो कि जनवरी 2022 की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कारों के बारे में जानना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।